घी दीजिए। गाय का के भैंस का? नहीं नहीं, शाकाहारी घी चाहिए, किसी जानवर का नहीं, शाकाहारी घी दीजिए, वेजिटेबल वाला। क्या हुआ? नहीं है? मजाक लगा रखा है, मैं गाय और भैंस के दूध की बात कर रहा था। लॉजिकली हमने दूध मांगा ही नहीं, हमने घी मांगा है, आप हम पर क्यों भड़क रहे हैं? शिशिर दिखाओ क्या होता है घी। भैया भैया यहाँ, सॉरी 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 सॉरी, बोल रहा हूँ। अच्छा वो घी छोड़िए, शिशिर वो लिस्ट ला। हाँ ये लीजिए। फिनाइल एक बोतल। पापा एक मिनट शांति रख, ये उल्टी लिस्ट पड़ रहा है घन चक्कर, पढ़ने दो। 3 पैकेट लीला वॉशिंग पाउडर, एक बोतल बाथरूम धोने का एसिड। पापा वो चुप रहे तू शेर, 1 पैकेट खटमल मारने की दवा। शरद हाँ, ये पक्का यकीन है वहाँ की दाल में ये सब चीजें होती है? भैया लॉजिकली माँ की दाल बनाने की चीजों की लिस्ट नहीं लगती। हाँ मैं कब से वही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मसालों की लिस्ट दूसरी तरफ है और आप हाथ ऐसे ऐसे करके मुझे रोक रहे। 2-in-1 किया है बेटे ने मेरे। हाँ वो यहाँ पे यहाँ। मालूम है, ये देख मैंने लिस्ट पहले से तैयार कर। वेरी गुड, पापड़ लिखना। पापड़ कौन सा पापड़? डबल मिरी, उड़द, मूंग, फरफर या खिचिया? पापड़ को भी थोड़ा ऐसे जाने देते। ए देख वर्षा, ऐसे सेकते है पापड़ और ऐसे ही सेकना पापड़। हूँ क्या हूँ? पापड़ सेकने के लिए इतनी झंझट करने की क्या जरूरत है? मेरे पास एक आसान तरीका है, आप बस मुझे फॉलो कीजिए, जस्ट फॉलो मी। अरे हेमंत माता कहाँ जा रही है? उसने बोला ना फॉलो मी। ओहो उसके कहने का मतलब है कि पापड़ सेकने में उसे फॉलो करना है। तो बरोबर, मतलब समझ गई मैं। चारों तरफ भैरवी रोग फैल रहा है। भगवान ये देखिए। अरे बाप रे, ये चकुड़ी, घर में गैस है तो स्त्री से पापड़ क्यों सेकना? हाँ, गैस खत्म हो गई तो? और स्त्री बिगड़ गई तो? उसका भी उपाय है। अरे अरे ये तो हो रहा है। तो वेरी गुड, जहाँ चाह होती है वहाँ होती है, इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। वर्षा भाभी जल्दी चलिए, चल के अपनी चाची को संभाली, देखिए वो क्या कर रही है। हाय अब क्या कर दिया वो एलियन चाची ने। हेलो हेलो हेलो, अरे यार सू करे छे। एक मिनट, ये क्या कर रही है आप? कपड़े धो रही हूँ, और क्या? तो बराबर। ठीक 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 ठीक। अरे क्या तो बराबर, तूने ऐसी पट्टी पढ़ाई है कि कपड़े ऐसे धोते? डाउनलोड की है मैंने जानकारी, इंसान कपड़े पहन के धोते हैं। अरे नहीं देखा मैंने ने कितनी बार समझाया कि कपड़े पहनकर नहीं धोते, धोकर पहनते। नहीं 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 नहीं, तुम्हारी जानकारी गलत है, पहले पहन के धोते हैं और धोने से पहले सुखाते हैं। सुनिए मेरी बात, मुझे बताइए आप इस तरह कपड़े कैसे सुखाएंगी? चाची ने नहा भी लिया और कपड़े भी धो लिए और पानी की बचत भी हो गई। बा है सेम बिरादरी की है तू, चली जाना इनके साथ इनके घर पे। कुटु कुटु कुटु। लेकिन उससे पहले मानव इनको मुंबई दर्शन तो करा ला। हाँ ये बबरे, मुझे बंगले का अमिताभ बच्चन देखना है। बंगले का अमिताभ बच्चन नहीं होता, अमिताभ बच्चन का बंगला। आप मेरे साथ चलना, मैं दिखा लाऊंगा, इसी बहाने कुछ वक्त मैं भी गुजार लूंगा, क्योंकि आप मेरी भी तो चाची है।
मेरा मतलब था कि मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। वैसे आपकी चाची बहुत टाइम पास है। हाँ, हाँ, लेकर जाना इनको। और ए वर्षा, हाल हाल, तुझे खाना बनाना सीखना है, क्योंकि पार्टी के लिए खाना तो तुझे ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो घोटाला भाई है ना, वो तो 100% कुछ ना कुछ भांगड़ा जरूर बांटेंगे। मतलब? मतलब कि हाल हाल चलते चलते बताती हूँ। हाल ऐसे वो वाला नहीं, ऐसे कुछ गड़बड़ करते तो ऐसा बोलते है भांगड़ा। क्या क्या कर रहा है तू? जल्दी करो। अरे शरद, तू एग्जैक्टली कौन सी सब्जी बना रहा है? वो मिक्स मिक्स मिक्स। चलो शिशिर, जल्दी जल्दी आटा गूंथो, हमारे पास वक्त बहुत कम है, किसी भी वक्त वो लोग आते होंगे। अरे आते ही क्या होंगे, आ गए समझो। हाँ निकल चुके हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। अरे निकल क्या चुके, उनको उनको बोलो ना प्लीज, भावना काकी को बोलो कि हमें थोड़ा वक्त चाहिए प्लीज। मैं फोन करता हूँ। हेलो भावना काकी, वसंत भैया को थोड़ा टाइम और लगेगा। हाँ तो आप थोड़ा रुक के आइए। हाँ ओहो, और कितना वक्त लगेगा? पूछ रही कितना वक्त लगेगा? 20 घंटे। हाँ 20 घंटे। 20 घंटे? 20 घंटे? 2 घंटे भावना काकी, 2 घंटे। ना 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 भाई, ना तेरा ना मेरा, 20 मिनट में आ रहे हैं हम लोग फाइनल। अरे 20 मिनट में आ रही है फाइनल। हाँ 20 मिनट? अच्छा अच्छा, चलो 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 जल्दी चलो। अच्छा दाल का क्या हाल है? सीटी कितनी आई? मैंने 2 सुनी। मैंने भी 2 सुनी। मैंने भी 2 ही सुनी। दो और दो चार और दो छह, अरे 6 सीटियां बज। अरे शरद 6 सीटियां नहीं निकालनी थी, सिर्फ 4 सीटियां निकालनी थी। वसंत भैया हाँ, सीटी 2 ही बजी है, इन सबने बारी बारी से सुनी है। हाँ हाँ अच्छा अच्छा, वैसे थोड़ा अच्छा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ ना, रोको ना उन्हें, उन्हें बातों में उलझा कर रखो प्लीज। हाँ हाँ, जितना हो सके उतना लेट करना, अब कल परसों। हाँ क्या कल परसों? अरे एक घंटा प्लीज। एक घंटे में? एक घंटा चाहिए, एक घंटे में तो आराम से हो जाएगा। ठीक है प्लीज प्लीज, प्लीज, प्लीज संभाल संभाल। चटनी बनानी है, ये रही चटनी की लिस्ट। धनिया, हाँ मूंगफली, चलो 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 शरद जल्दी, शिशिर जल्दी, नींबू, चलो आते होंगे वो लोग। नहीं नहीं भैया, लॉजिकली इसमें नींबू का जूस डलता है। ये क्या है, मिक्सर है ना? हाँ तो जैसे शुरू होगा तो जूस अपने आप निकल जाएगा। तू भाई अपना लॉजिक लॉजिक अपने पास रखना प्लीज। हाँ मैम। पापा आग लग गई। अरे आग, अरे आग कैसे लगी? अरे आग तो लगेगी ना, तूने देखा? अरे पापड़ को तूने पैकेट के समेत क्यों जलाया? आप ही तो बोले थे केमन पूरा पैकेट पापड़ सेक देना। ये सचमुच ना ये काम बढ़ा रहा है तू। अच्छा लेकिन ये इतना जल क्यों रहा है? तूने मिट्टी का तेल डाला क्या इस पे? आप ही तो बोले थे क्या कि होली में रंग निकालने के लिए मिट्टी के तेल का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये पापड़ भी जल के काले हो गए ना, इसीलिए रंग निकालने के लिए मैंने थोड़ा ऐसे तेल इस्तेमाल कर दिया। अरे क्या कर रहा है तू अभी? इसे बुझा, पहले बुझा, पानी डाल दे। अरे आग बुझाने के बाद उस पर मिट्टी का तेल डालकर वो रंग निकालना होता है। ये देख, ये जो है ना ऐसे मिट्टी के तेल से इसका रंग निकालेंगे, अगर पापड़ काला हो गया हो तो। कुछ काम का नहीं है, तू सिर्फ काम बढ़ा रहा है। काम कर, ऑफिस ही को काम बोलना पड़ रहा है। तो मिक्सर का ढक्कन डाल और चटनी बना, चलो चलो। या हाँ, ये कुकर में से बदबू आ रही है। तू क्या छोटी छोटी बातों को लेकर मुझे डिस्टर्ब कर रहा है? बदबू आ रही तो आने देना, खाना तैयार होने के बाद इस पर वो मच्छर का स्प्रे छिड़क देंगे हम। भैया मुझे लगता है कि अंदर से कुछ जल रहा है। शरद आग कहां से लगी है? बाहर से लगी है ना? तो अगर आग लगनी है, अगर कुछ जलना ही है तो कुकर जलेगा ना, अंदर की दाल कैसे जलेगी? प्लीज थ्रो सम लाइट, समझाओ मुझे। हाँ डालकर शुरू।
मैंने ढक्कन डाला तो सही। अरे ढक्कन डालकर मतलब ऐसे से नीचे डालकर रही इसके। पापा हाँ? आपने उन्हें ऐसे क्यों नहीं कहा कि ढक्कन ऊपर लगा दो? आपने कहा ढक्कन डाल दो तो उन्होंने डाल दिया। क्या वसंत भैया मानो 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 प्लीज 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 हमें और थोड़ी मोहलत चाहिए, बस हो ही रहा है। अरे नहीं नहीं वसंत भैया, मैं दावत लेकर नहीं आया हूँ, तो मैं आपको ये बताने आया हूँ कि वर्षा भाभी को अस्पताल में दाखिल किया गया है। तो ठीक है। क्या भैया लॉजिकली ये तो क्लब हाउस है ना? हाँ, लेकिन पिछले महीने यहाँ के लोगों ने कहा था कि ये क्लब हाउस बंद होने वाला है, तो शायद यहाँ पर हॉस्पिटल शुरू हो गया है। लेकिन पापा अगर हॉस्पिटल है तो इतना अंधेरा क्यों है? वही तो, लाइट चली गई है शिशिर। लाइट चली गई है तो फिर लोग दिखाई नहीं देंगे ना। हाँ। लेकिन बेटा यहाँ पर किसी की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही है, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? सब सो गए होंगे पापा। सब डॉक्टर नर्स वार्ड बॉय पेशेंट सब ऐसे सो गए हैं? क्या कर रहा है? सो गए होंगे, मुझे लगता है शरद हम लोग गलत जगह पर आ गए, चलो चलते हैं। नहीं पापा, मानव भैया ने तो कहा था कि मम्मी को यहीं पर लाए हैं। तो फिर यहाँ पर इतना सन्नाटा क्यों है? वर्षा तुम ठीक हो गई? इसका मतलब हॉस्पिटल बढ़िया है। लो। अरे ओ घोटाला, तुम कितना बा, वो बा, अरे एक मिनट मैन, ओ बा, ही स्पोक को हिंदी में कैसे बोलेंगा? लीजा कहाँ है? फेंक के मारूंगा ये। बोलो मैन, ही स्पोक को हिंदी में कैसे बोलेंगा? हाँ, वो बोला, वो बोला। हाँ, ओ घोटाला, तुम कितना बोला है मैन। हाँ, वो तो है। ओ भोला, भोला होता है वो, भोला, मारी तरह भोला, तुम्हारी तरह भोला। ओ घोटाला, आज तुम्हारा सरप्राइज बर्थडे पार्टी है मैन। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। क्या हुआ? आज नहीं है मेरा बर्थडे। हाँ, अरे श्री श्री घोटाला, आज के दिन आपका बर्थडे समझ के सेलिब्रेट कर लेंगे, सेम मजा आएगा। अच्छा, और घोटाला ये सारा आइडिया मारा था, क्योंकि मैंने थारे को दिल से कबूल कर लिया है, है ना? नहीं, ये आइडिया मानव का है, मानव के ही कहने पे मैंने आपसे जानबूझकर झगड़ा किया ताकि आप वो खाना बनाने में उलझे रहे और हम ये पार्टी की तैयारी कर सके। वो सब बातें बाद में करना, पापा पहले ये बताइए कि बाकी सब कहाँ हैं? हाँ, ऐना नजर नहीं आ रही। बाकी सबको मैंने बोल दिया है, चले जाओ चले जाओ। चाची, कहाँ चले जाओ? अरे इसका बर्थडे है ना, तो जब किसी का जन्मदिन होता है तो सबको जाने के लिए कहते हैं ना। ओ घोटाली काकी, जाने के लिए नहीं, आने के लिए कहते हैं। ठीक 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 ठीक। वो छोड़ो, केक का है? केक? हाँ केक, केक अभी लेके आती हूँ। अरे चाची को कैंडल पे केक, इतना काला क्यों है? नहीं। ये क्या है? केक, मुझे मालूम है, बर्थडे पर कैंडल काटते हैं उसके ऊपर केक जलाकर। वेरी गुड। मैं चाची, लॉजिकली ना केक काटते हैं उस पर कैंडल जलाकर। ठीक 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 ठीक। वो सुन बेटा, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। हाँ? चल अब कैंडल काट। कैंडल? चलो घोटाला। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर घोटाला। चलो गई चाची। पता ऐसे ऐसे गई, ऐसे ऐसे ऐसे। क्या? तो मैंने पूछा चाची क्या कर रही है आप, ऐसे क्यों जा रही है? तो चाची ने कहा क्यों, तुम्ही ने कहा ना ऐसे बैठ बैठ के जाना है स्पेसशिप में। मैंने कहा चाची
ऐसे बैठ के नहीं जाना है स्पेसशिप में, स्पेसशिप में बैठ के ऐसे जाना है। ओ चाची ने खून पिया मेरा। चलो अच्छा शुक्र है गई, डेंजरस चाची। हसन अच्छा ऐसे बर्थडे गिफ्ट। हाँ क्या ओफो। अच्छा अच्छा ऐसे बोलो ना। किए जा रही हो तुम। अच्छा आंखें बंद कीजिए। चीटिंग नहीं यार। ये क्या है? ये चद्दर है देखिए। अच्छी बात। बहुत बढ़िया है। क्यों? वो क्या है ना, अब बार बार सुपर पावर यूज करके सोफा बन जाते तो अच्छे नहीं दिखते वैसे। आप अगली बार आप इसे ओढ़कर सोफा बनना। अच्छा ऐसे तो क्या है ना, धूल नहीं जमेगी। मसद बनिए ना। चलिए वर्षा क्या कर रही हो? खड़ी हो जाओ। अच्छा अच्छा अरे पीठ पर नहीं जमीन पर खड़ी हो जाओ। वर्षा सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ सॉरी, तुम खड़ी होने वाली थी मेरे पीठ पर। सॉरी सॉरी सॉरी। वैसे कितने अच्छे लग रहे हैं आप। अच्छा अब रिटर्न गिफ्ट। ऐसे नहीं तो? देखो आंखें बंद करो। घूम जाओ। आंखें खोलो और आंखें खोलो। डिंग डिंग ये क्या है? ये चूहे पकड़ने का पिंजरा। तुम ऐसे बार बार छोटी बनती हो ना तो समझो, अगर तुम ऐसे छोटी बन गई और किसी बिल्ले ने तुम्हें पकड़ लिया और ऐसे निगल लिया तो इसमें रहोगी तो सेफ रहोगी। यही मिला आपको रिटर्न गिफ्ट में देने के लिए? कोई अपनी बीवी को पर्सनली उसके लिए ऐसे चूहे पकड़ने का पिंजरा देता है? ये लाई हो तुम गंदी सड़ियल सी चद्दर। पति को कोई ऐसे बर्थडे पर ये गिफ्ट देता है? ये आपका बर्थडे गिफ्ट और ये आपका रिटर्न गिफ्ट। यहाँ मत खोलिए इसे। तुम भी पहन के दिखाऊं? आप भी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.